ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था। तो वर्किंग देखेंगे तो इस बॉयलर में क्या होता है कि इस बॉयलर में जो हम वर्किंग देखते हैं तो जो फीड पंप है वो सर्कुलेट करता है वाटर को इन द इकोनोमाइजर में। जो आपको इकोनोमाइजर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको इकोनोमाइजर दिख रहा है, इकोनोमाइजर। तो हमारा जो फीड वाटर फीड पंप है वो क्या करता है, वाटर को सर्कुलेट करता है इन द इकोनोमाइजर ऑफ द बॉयलर। अब इकोनोमाइजर क्या करता है, हीट करता है, इकोनोमाइजर हीट्स द वाटर टू सम डिग्री, कुछ टेम्परेचर पे इकोनोमाइजर इसको हीट करता है, वाटर को हीट करता है। अब इकोनोमाइजर से क्या होता है कि हमारा वाटर एंटर करता है इंटू द स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में। स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में हमारा जो है चीज़ें क्या होती हैं, एंटर करती हैं। ठीक है, वहाँ से वो सेपरेट हो जाता है, स्टीम सेपरेट हो जाएगा। तो फ्रॉम स्टीम सेपरेटिंग ड्रम जो होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है कि जो हमारा मिक्सर होता है वाटर और स्टीम का जो मिक्सर होगा भाई, अगर हमारा वाटर है तो अगर इसको हीटअप कर रहे हैं तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, लेकिन स्टीम जो होगा उसमें कम से कम कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर कंटेंट भी होगा। जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वही वाटर होगा। स्टीम सेपरेटर क्या करता है, स्टीम को अलग कर देता है और वाटर को अलग कर देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अलग कर देता है। इस फोर्स सर्कुलेटेड थ्रू द रेडिएंट इवापोरेटर, जो हमारा इवापोरेटर लगा किसके थ्रू करता है, वो जो है फोर्स सर्कुलेशन थ्रू द रेडिएंट इवापोरेटर बाय एन एक्सटर्नल सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू, एन एक्सटर्नल सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू। ठीक है, यहाँ से हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है, फोर्स कन्वर्ट सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब होता है एंड इज मोर एज कम्पेयर टू द नेचुरल सर्कुलेशन। जाहिर सी बात है, जो नेचुरल सर्कुलेशन जो होता है, नेचुरल सर्कुलेशन में जो आपको प्रेशर मिल रहा होता है, नेचुरल सर्कुलेशन में जो प्रेशर मिल रहा होता है और जो हमारा फोर्स में मिल रहा होता है, तो फोर्स में जो प्रेशर होता है वो मोर होता है एज कंपेरिजन ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन। वही इसमें बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो हमारा नेचुरल जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, नेचुरल प्रेशर जो है कम है और जो फोर्स करने सर्कुलेशन का प्रेशर क्या होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि हमारा जो है लेमन में क्या होता है कि पंप जो होता है वो सर्कुलेट करता है वाटर को, इकोनोमाइजर में भेजता है बॉयलर में और इकोनोमाइजर उसको हीट करता है और जिससे वाटर क्या होता है स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर वो जाता है हमारा इकोनोमाइजर जो है सेपरेटिंग ड्रम में भेजता है। ऐसे बड़ा ऐसे बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में कहानी स्टोरी जैसे जो है बिल्कुल आ जाएगा। तो फिर वो इकोनोमाइजर से जाता है स्टीम सेपरेटर में, स्टीम सेपरेटर में जाएगा फिर वहाँ से वाटर और स्टीम को अलग कर देगा, अलग हो जाएगा स्टीम, अलग हो जाएगा वाटर, अलग हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फोर्स सर्कुलेशन के थ्रू जो है रेडिएंट इवापोरेटर बाय जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करके उसको अलग कर देते हैं। फिर इसका होता है फोर्स सर्कुलेशन में हम देखते हैं कि जो प्रेशर का प्रेशर की बात करें तो वो ज्यादा ही होता है एज कम्पेयर टू ना नेचुरल। फिर आगे देखते हैं तो उसमें रेडिएंट जो अभी आप ब्लॉक डायग्राम देखते हैं स्क्रीनशॉट अगर ले लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे रेडिएंट इवापोरेटर जो होता है हीट्स द वाटर एंड चेंज इन इनटू द स्टीम। जी सिंपल सी बात है, बस शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब द फ्रॉम रेडिएंट इवापोरेटर द वाटर स्टीम मिक्सेस मिक्सर पासेस थ्रू द कन्वेक्टिव इवेपोरेटर। अब कन्वेक्टिव इवेपोरेटर के थ्रू जो हमको पास कराते हैं किसको, वाटर और स्टीम के मिक्सचर को, तो होता है क्या है कि जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो इंक्रीज करता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है वो कन्वर्टेड होता है किसमें, सैचुरेटेड
स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि कन्वेक्टिव ऑपरेटर हो रहा, कन्वेक्टिव इवापोरेटर। कन्वेक्टिव मतलब क्या होता है जी? हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, ये क्या है, ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, कन्वेक्शन और कन्वेक्टिव। तो वहाँ से तो उससे क्या होता है कि जो वाटर और स्टीम का मिक्सचर आता है वो जब इसको हम कन्वेक्टिव इवापोरेटर होता है तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज करता है फ्लूड का। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो वाटर बचा रहता है वाटर वाटर स्टीम से, वो भी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड स्टीम में। एंड आफ्टर दैट द सैचुरेटेड स्टीम एंटर इनटू द स्टीम ड्रम। अब द स्टीम सेपरेटेड ड्रम क्या करता है, एज अ नेम इंडिकेट सेपरेटर सेपरेट्स लिखा हुआ है एट द स्टीम फ्रॉम द वाटर। द स्टीम गेट्स कलेक्टेड एट द अपर पोर्सन, जाहिर सी बात है स्टीम अपर पोर्सन में कलेक्ट किया जाएगा। अब स्टीम सेपरेटर ड्रम जो है स्टीम को पास कराएगा थ्रू द सुपर हीटर। अब जो सुपर हीटर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर को स्टीम के टू डिजायर लेवल। एंड फाइनली द सुपर हीटर स्टीम इज इधर ट्रांसफर टू द स्टीम स्टीम कलेक्टिंग ड्रम और मेड टू स्ट्राइक ऑन द ब्लेड ऑन द टर्बाइन। ये चीज़ें होंगी जिसमें मतलब कहने मतलब क्या है कि ये फाइनली स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीम कहाँ जाएगा? देखिए रैंकाइन साइकिल पढ़ते वक्त बेसिकली हम लोगों ने यही पढ़ा था कि बॉयलर है और ये हमारा टर्बाइन है, ये हमारा कंडेंसर है, ये हमारा पंप है, यहाँ से आया है। तो हम लोगों वहाँ सीधे पढ़ते थे कि बॉयलर से हमारा जब निकल रहा है तो स्टीम में निकल रहा। अब हम बॉयलर को पढ़ रहे हैं कि कैसे हम स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो स्टीम में कहाँ चला गया, फिर वो टर्बाइन में चला जाएगा, उसको ब्लेड्स पे टकराएगा, ब्लेड्स पे टकराने के बाद जो है वर्क कर जनरेट करेगा, वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा या जो भी पावर मिलेगा। अब फिर वहाँ से रस्ट चीज़ें निकल के चली जाएंगी। वही थी तो वर्किंग प्रेशर टेम्परेचर एंड कैपेसिटी आप दिस बॉयलर इस इतना होता है, आप इसको वो इम्पोर्टेंट है जानते रहिए कि जो वर्किंग प्रेशर की बात करें तो 170 बार हो जाता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो 773 केल्विन हो जाता है। और अगर हम देखें कि कैपेसिटी तो कैपेसिटी हमारा 50 टन जो है पर आवर हो जाएगा, 50 टन पर आवर है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेज क्या होगा, प्रेशर शुड बी हाई। इसका जो प्रेशर होगा वो शुड बी हाई होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। फिर फ्लेक्सिबल इन डिजाइन होता है, ठीक है। प्रेशर हाई होगा, फ्लेक्सिबल डिजाइन होता है। बॉयलर कैन बी रीअसेंबल इनटू द नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में। अगर हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर की तरफ देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, रीअसेंबल हो जाएगा। इट कैन बी इजली स्टार्टर, इजी होता है स्टार्ट करना। इट हैज हाई स्टीम जनरेशन कैपेसिटी है 50 टन पर आवर, ठीक है। 50 टन जो होता है पर आवर के हिसाब से जो है वो स्टीम कैपेसिटी होती है, जनरेशन होता है। बॉयलर हैज हायर हीट ट्रांसफर रेट, जो बॉयलर होता है उसका हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट एवरी बॉयलर हैव सम मेरिट एंड डीमेरिट। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज में इसका है क्योंकि देयर इज अ बबल फॉर्मेशन एट सरफेस ऑफ द ट्यूब इन दिस वो। अब देखिए जब बबल फॉर्मेशन होगा तो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देगा हीट ट्रांसफर रेट को, जो कि स्टीम की तरफ जा रहा है। हीट ट्रांसफर कहाँ जा रहा है, वाटर की तरफ जा रहा है ना, जहाँ से हीट वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एडवांटेज देखिए जब भी आप पढ़ेंगे किसी भी बॉयलर को पढ़ेंगे, जब आप स्टडी करेंगे अपनी सेल्फ स्टडी, तो इसके पहले तो इसके बारे में आपको जानना है कि ये उसका क्या है,
क्लासिफिकेशन क्या है वो लिखिए, दो तीन चार लाइन। फिर आप हेडिंग डालिए वर्किंग एंड प्रिंसिपल, फिर इसका वर्किंग करिए। अच्छा, वर्किंग की कोशिश क्या करना है आप लोगों को, हमेशा कोशिश किया करिए कि अगर हमारा ये कॉपी है ये, तो हम अगर ब्लॉक डायग्राम यहाँ बनाते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक पेज है, इसके पीछे जो है ब्लॉक डायग्राम है, अगले पीछे में जो है लिख रहे हैं, तो वो बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखने का एक तरीका भी होता है। तो हमेशा जब भी पढ़े बॉयलर तो उसके बारे में कल पढ़ लें, फिर वर्किंग पढ़ लें, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ट्राई करें कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन भी लिखें। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। बट ध्यान देने वाली बात यही रहती है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है कि 5 मार्क्स का है, तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जो है हमको अपना राइटिंग करना होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर पढ़ लिया है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अलग नोट्स हैं। सिंपल वर्टिकल बॉयलर्स के बारे में तो पहले पढ़ना चाहिए था, बट आप इसको जब मैं नोट्स भेजूंगा तो आप लोग देख लेंगे कि सिंपल वर्टिकल बॉयलर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें होते हैं तो ये सब देख लिया जाएगा। हाँ, और हम लोगों ने कॉकरेल बॉयलर पढ़ा है। देखिए, कॉकरेल बॉयलर को ही जो है इसको वर्टिकल मल्टीट्यूलर बॉयलर भी बोला जाता है। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में डिस्कस हो चुका है। डायग्राम वगैरह हर जगह आपको सेम मिलेंगे, डायग्राम के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्किंग भी आपको सिमिलर, एडवांटेज डिसएडवांटेज में थोड़ा और डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की बुक में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखिए, हमको बैबकॉक विलकॉक्स पढ़ना है। बैबकॉक विलकॉक्स क्या होता है, बैबकॉक विलकॉक्स में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहली बात कि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ऐसा सब कुछ होता है जो भी हम पढ़ते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपका लोकोमोटिव एंड लंकाशायर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बैबकॉक विलकॉक्स जो बॉयलर है वो एक इज द फर्स्ट वाटर ट्यूब बॉयलर, इज द फर्स्ट वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, फर्स्ट वाटर ट्यूब बॉयलर डिजाइन एंड वाइडली यूज्ड अ सिस्टमेटिक बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर इज शोन इन द फिगर 2.4। अभी मैं दिखाता हूँ इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अच्छा, रुकिए एक सेकंड। देखिए, ये है हमारा वेबकॉक विलकॉक्स। ये आपके लैब में भी हमारे पड़ा हुआ है, लैब में भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। आप जब कभी भी थोड़ा सा सिचुएशंस नॉर्मल होंगे तो आप लोग आइए और आके जो है एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल विजुअलाइज कर लीजिएगा। राइट, तो ये वेबकॉक्स और विलकॉक्स का बॉयलर है जो मैं भी बता रहा था, 2.4 मिल गया। अब ये कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट इज ए स्टेशनरी वाटर ट्यूब बॉयलर। स्टेशनरी वाटर ट्यूब बॉयलर होता है मतलब ये मूवेबल नहीं है, एक जगह जहाँ पे बन गया है, जहाँ पे फाउंडेशन कर दिया गया वहीं पे स्टेबल रहेगा। ये हमारा स्टेशनरी वाटर ट्यूब बॉयलर है। दूसरा,
इसमें स्टीम वाटर ड्रम का होता है फॉर अ शॉर्ट ट्यूब कनेक्शन होता है, कनेक्टिंग और शॉर्ट ट्यूब स्टीम वाटर ड्रम होता है विथ अपटेक हेडर होता है एंड डाउन हेडर के रूप में होता है। मड बॉक्स होता है, मड बॉक्स आप जानते हैं क्या होता है, इज प्रोवाइडेड विथ ईच डाउन स्पेस हेडर एंड मड कलेक्टेड एंड रिमूव्ड। ठीक है, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड देर इज स्लो मूविंग ऑटोमोटिव चेन, जहाँ पे एक स्लो मूविंग ऑटोमोटिव चेन होता है विच द कोल इज फेड फ्रॉम द होपर। ठीक है, द फायर ब्रिक्स होते हैं, जो ब्रिक्स होते हैं, बैफल वॉल डिफ्लेक्ट्स द हॉट गैसेस एंड हेल्प्स द हॉट गैसेस टू द लीव द चिमनी। ये चीज़ें होती हैं। और डैम्पर्स होते हैं, डैम्पर्स का देखिए, डैम्पर्स जो होता है, डैम्पर्स आपके उसमें भी लगा हुआ है, बाइक में भी लगा रहते हैं। डैम्पर्स आर टू यूज ड्रॉट एंड और ओपन द चिमनी। अलग अलग होता है, डैम्पर जो होता है एब्जॉर्ब करता है क्या, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती, तो ये हम कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो हम आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारा वाटर ट्यूब वाटर स्टेशनरी होता है, स्टीम वाटर ड्रम होता है। और जब भी राइटअप करें तो इस तरीके से राइटअप करें, पॉइंट वाइज बहुत ही इफेक्टिव होता है। शॉर्ट ट्यूब कनेक्ट्स द स्टीम वाटर ड्रम विद अपटेक हेडर एंड डाउन हेडर। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब इसका वर्किंग अगर आप देखोगे तो वर्किंग अगर देखो तो कोल इज फेड टू द ग्रेट, ग्रेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्या होता है, जहाँ पे हमारा कोल बर्न होता है। कोल इज फेड टू द ग्रेट थ्रू द फायर डोर एंड इज बर्न्ड। हमने इसमें रखा और उसको बर्न कर दिया। द हॉट फ्लू गैसेज, अब जो कोल है, ये सब कोल है, ये बर्न हुआ तो बर्न होने के बाद जो फ्लू गैसेज ऐसे निकल रही हैं, दीज आर द फ्लू गैसेज। ठीक है, तो हॉट फ्लू गैसेज राइज अपवर्ड एंड पास अक्रॉस द लेफ्ट साइड पोर्शन ऑफ द वाटर ट्यूब। चूंकि स्क्रीन मेरी छोटी है, इस वजह से मैं दोनों डायग्राम और उसको एक साथ नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप बुक अगर हो तो वहाँ पे खोल कर बैठे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ वाटर ट्यूब होता है, द बैफल्स जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं फ्लू गैसेस को, जो बैफल्स लगे रहते हैं वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखिए समझिए, कोल है, कोल को हमने ग्रेट में रखा, उसको इसको बर्न करा है, बर्न कराने के बाद वो स्टीम फ्लू गैसेस निकल रहे हैं, हॉट फ्लू गैसेस होते हैं, वो राइज हो रहे हैं और अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं और पास कर रहे हैं अक्रॉस द उसको पास करते हुए जा रहे हैं लेफ्ट पोर्शन ऑफ द वाटर ट्यूब। फिर क्या होता है, एक बैफल से लगा रहता है, वो डिफ्लेक्ट करता है फ्लू गैसेस को। और क्या कर, क्यों, फ्लू गैसेस जो है ट्रेवल करता है जिगजैग मैनर में। जिगजैग मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे 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 जाता है, फ्लो कर रहा होता है ओवर द वाटर ट्यूब एंड अलोंग ओवर द सुपर हीटर। ठीक, तो बफल्स का काम क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट कर देता है फ्लू गैसेस को। वाई, क्योंकि जो हमारा बफल करता है वो ट्रेवल करता है जिगजैग वे में, तो वहाँ से वो क्या करता है, उसको जो है वाटर ट्यूब की तरफ पास कर देता है। ठीक है, और वो सुपर हीटर तरफ जाता है। फिर क्या होता है, जो फ्लू गैसेस होता है फाइनली स्कैप टू द एटमोसफियर थ्रू द चिमनी। फ्लू गैसेस क्या होता है, फाइनली जो होता है कि स्केप करता है और टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द चिमनी। ठीक है, जो फ्लू गैसेस फाइनली स्केप टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द चिमनी। अब जो होता है कि देखो, चिमनी को सबको पता है कि वो एग्जॉस्ट के काम ही आता है। जो भी हमारा नीचे कोल बर्न होता है, ब्रिक्स देखा होगा अपने, ईंट भट्ठे देखे होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि ईंट नीचे बर्न हो, उसको पकाया जा रहा होता है और जो इस फ्लू गैसेज होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, चिमनी के रास्ते, ड्रॉट के रास्ते जो ऊपर की तरफ क्या होते हैं, निकल जाती हैं। द पोर्शन ऑफ द वाटर ट्यूब विच इज जस्ट अबव द फर्नेस इज, देखिए एक चीज मैं बता दूँ, ये सारे बॉयलर्स को जो आप अच्छे से पढ़ेंगे ना,
एक दो बार पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, मतलब तो आप समझिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा द पोर्शन ऑफ द वाटर ट्यूब है विच इज जस्ट अबव द फर्नेस इज हीटेड कंपैरेटिवली टू हायर टेम्परेचर देन द रेस्ट ऑफ इट। अब जब हम जो हमारा वाटर ट्यूब होता है वो तुरंत फर्नेस से थोड़े से ऊपर होता है, लगा रहता है। अब वो होता है कि वाटर राइज करता है इनटू द ड्रम और थ्रू द अपटेक हेडर, और वहाँ पे क्या होता है स्टीम और वाटर दोनों सेपरेट हो जाते हैं स्टीम ड्रम में, और वहाँ पे जब जाता है तो जो कि स्टीम विच इज लाइटर इज बीइंग कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ, जाहिर सी बात है स्टीम अप की तरफ जाएगा अपर पार्ट में ड्रम में होता है, और जो वाटर होता है जस्ट जो होता है वो उसके नीचे जो ड्रम आपका में कम डाउन होता है, और जो डाउन हीटर हेडर होता है वहाँ पे इकट्ठा रहता है। इस तरीके से कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ड्रम टू द वाटर टू द वाइस वर्सा ये सब चलता रहता है। तो इस तरीके से होता है, इस प्रकार जो है हमारा मेंटेन रहता है, और जो सर्कुलेशन होता है वाटर का वो मेंटेन करते हैं हम बाय कन्वेक्टिव नेचुरल सर्कुलेशन। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, कौन सा कन्वेक्शन होता है नेचुरल सर्कुलेशन, कौन सा सर्कुलेशन होता है नेचुरल सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन माय डियर, कहीं पे भी आपको फैन वगैरह नहीं यूज करना, नेचुरल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटेड डाउन। स्टीम इज टेकन फ्रॉम द स्टीम स्पेस थ्रू अ ट्यूब टू द सुपर हीटर, स्टीम इज सुपर हीटेड इन द सुपर हीटर। अब ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया ना कि एक अपर हीटर होता है एक नेचुरल हीटर, डाउन हीटर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपर हेडर अपटेक हेडर यहाँ पे ये दिख रहा है, तो आप उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। जो वर्ड्स वर्किंग लिखा हुआ वो आप पहले ऐसे उसको रख लीजिए सामने एक तरफ और रीडिंग करिए वर्किंग को, वन बाय वन आप देखते जाइए, बुक से रीडिंग करिए, फिगर को देखिए, एक तरफ में कॉपी रखिए, पॉइंट लिख लीजिए, 10 पॉइंट 15 पॉइंट लिख लीजिए। अगर 15 पॉइंट लिखेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में 10 पॉइंट आपको लिख ही देंगे, लेकिन अगर 10 लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो 3 लिख पाएंगे, फिर आपको कांड लिखनी पड़ेगी। अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, वो क्या है, ये क्या करता है, इसका जो इवापोरेटिंग कैपेसिटी है, देखिए इवापोरेटर जो है आप आरएसी में पढ़ेंगे, इवापोरेटर के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इवापोरेटिंग जो कैपेसिटी है वो हाई है एज कंपेयर्ड विद द अदर बॉयलर्स। ध्यान रखिए क्या फायदा है इसका, जो इवापोरेटिव कंडीशन है, इवापोरेटिव का मतलब समझ ना, इवापोरेशन वाला जो कैपेसिटी है वो हायर है अदर बॉयलर से, मतलब 20,000 से लेके 40,000 जो है केजी पर आवर करता है, ठीक है, प्रति घंटा करता है। ऑपरेटिंग प्रेशर याद रखिए 11.5 से लेकर 17.5 तक, मतलब आप 12 से याद करिए 18 तक। ड्रॉट जो होता है लॉस करता है, लॉसेस और मिनिमम जो ड्रॉट होता है कम होता है, फिर ड्रॉट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। डिफेक्टिव ट्यूब्स कैन बी रिप्लेस इजली, मान लीजिए कोई ट्यूब अगर डिफेक्ट हो गया, कोई ख़राब हो गया तो उसको हम इजली रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे पावर प्लांट ऐसे होते हैं जो बॉयलर होते हैं जहाँ पे रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। एंटायर बॉयलर्स जो है वो रेस्ट ऑन एन आयरन स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिक्स स्ट्रक्चर। तो ये जो तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, ये कम्प्लीटली हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ठीक है,
ये कम्प्लीटली जो डिस्कस हुआ है वो हमारा जो है बॉयलर्स हो गया। तो हम लोगों ने नॉर्मेंट, कॉकरेन, बेबकॉक्स, विलकॉक्स स्टडी कर लिया है, ये पूरा डिस्कशन हो चुका है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। रेस्ट जो है अब हम आगे का जो हमारा होगा क्लासिफिकेशन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 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 हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, कॉकरन भी हो गया है, बेबकॉक्स विलकॉक्स ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ये कम्प्लीटली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। ये जो चीज़ें थी कम्प्लीटली डिस्कस हो चुकी हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स भी डिस्कस हो चुके हैं और इसके ग्राफ भी डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। अब हमको लंका शायर बॉर्डर स्टडी करना है, लंका शायर बॉर्डर को देखना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो लंका सर हम लोगों ने अभी तक लमेंट पढ़ लिया, कौखरन पढ़ लिया, बेबकॉक्स विलकॉक्स पढ़ लिया। अभी अब हम आगे बढ़ेंगे तो लंका सर के बारे में पढ़ेंगे, लंका सर बॉलर क्या होता है, लंका सर बॉलर क्या होता है। तो लंका सर बॉलर भी स्टेशन, देखिए लंका सर लोकोमोटिव तो बहुत बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, ये हमारा मोस्टली स्टेशनरी ही होता है, स्टेशनरी है। और देखिए क्या क्या है लंका सर बॉलर, स्टेशनरी, दूसरा फायर ट्यूब है, ठीक है, इंटरनली फायर्ड है, फिर हॉरिजॉन्टल है। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हॉरिजॉन्टल ऐसा पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको सारी चीज़ें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है माय डियर, मैं बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा बॉयलर क्या है, इंटरनली फायर्ड है, स्टेशनरी है, फायर ट्यूब बॉयलर है, हॉरिजॉन्टल है, नेचुरल सर्कुलेशन है। बेसिकली नेचुरल पे, फोर्स पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप क्लासिफिकेशन में भी आप कन्फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उस बेसिस पे चीजें हमको करना रहता है ना। तो ये हमारा होता है लंका शायर, हमारा इंटरनली फायर्ड होता है, फायर ट्यूब होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इंटरनली सर्कुलेटर होता है, इस टाइप का ये बॉयलर है। और इट इज वेयर वर्किंग प्रेशर एंड पावर रिक्वायर्ड आर मॉडरेट। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन भी हम लोग देखेंगे और इसका जो मेन फीचर्स है उसको भी डिस्कस करेंगे, तो फर्दर लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फर्दर लेक्चर जो मेरा वीडियो बन के जाएगा वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, तो वो वहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी तक जो हुआ तीन बॉलर पढ़ लिए, रेस्ट बॉलर भी हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ट्यूटोरियल भी आप लोग करें, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, बाकी फर्दर कोई कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, कोई डाउट हो डिस्कस कर सकते हैं।